लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से माइक्रो ऑब्जर्वर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर CDO अनुज सिंह और ट्रेनर ने माइक्रो ऑब्जर्वर को EVM और VVPAT के संबंध में विधिवत जानकारी दी। इस मौके पर CDO ने कहा कि अगर EVM या VVPAT में कोई गड़बड़ी आती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, जिससे मतदान को सकुशल संपन्न कराया जा सके। अधिकारी आपको बता रहे थे कि वहां पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मॉक पोल क्लियर नहीं होता है तो उससे मॉक पोल के पहले वाले जो वोट होते हैं वो भी वोट फिर उसमें गिनना शुरू हो जाता है, आगे का जो पोल गिरा। और उसके बाद जब बाद में जब संज्ञान में आता है, क्योंकि संज्ञान में तो आ ही जाता है, क्योंकि प्रत्येक घंटे जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो आप हैं, आपको प्रत्येक घंटे का मिलान करना होता है कि 17-1 के अनुसार कितने वोट पड़े हैं और मशीन के हिसाब से कितनी टोटलिंग है। तो जब आप देखेंगे कि पहले घंटे जब 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुआ और 8 बजे जब आपने उससे कहा कि भैया एक बार दिखा दो मुझे कि 17-1 के हिसाब से कितने पड़े और मशीन के हिसाब से कितने पड़े, तो वहां पर 50-55 का अंतर आ जाएगा। तो फिर वो एक स्थिति बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि अब आगे क्या करें। तो ऐसे केसेस के बड़ा जरूरी होता है कि आप भी इस चीज पर नजर रखें कि वहां पर क्लियर का बटन जरूर दबाओ। मॉक पोल का समय वैसे तो देखिए 6 बजे शुरू होना चाहिए। एजेंट अगर किसी पार्टी का नहीं आता है तो फिर 15 मिनट इंतजार करके शुरू करते हैं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का एजेंट आ गया तो उसके बाद उसके समक्ष हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि 7 बजे के पहले पहले पूर्व ये खत्म हो जाए। लेकिन किसी भी दशा में अगर लेट भी हो रहा है मॉक पोल स्टार्ट करने में, किसी भी दशा में 50 वोट से कम मॉक पोल में नहीं गिरना है। पोल स्टार्ट होने के पहले के मॉक पोल में 50 वोट से कम नहीं गिरना है। लेकिन अगर पोल स्टार्ट हो गया और उसके बाद अगर मशीन अगर चेंज होती है तो फिर प्रत्येक अभ्यर्थी को इंक्लूडिंग नोटा मात्र 1-1 गिरा के भी वोटिंग आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। इसके बाद EVM ID, मशीन नंबर, ये सारी चीजें जब वो मॉक पोल करता है तो वो उस पर दिखाता है और वो मशीन जो पीठासीन अधिकारी है सभी एजेंट्स को दिखाता है, उसे नोट भी कराता है ये हुआ कि नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कितने एजेंट वहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको इसमें इंडिकेट करना है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि किस किस पार्टी के एजेंट थे, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर कोई पार्टी का एजेंट नहीं आया तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। मोस्टली क्योंकि यहाँ पे पार्टी कैंडिडेट का जिक्र है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनके नॉर्मली एजेंट नहीं आते हैं, लेकिन आपको इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंट्री पास सिस्टम एजेंट के लिए फॉलो किया गया था नहीं किया गया था, अभी आपको बताया गया कि जो एजेंट्स होते हैं वो अपना एक नियुक्ति पत्र लेके आते हैं पीठासीन अधिकारी के पास। अभी आप जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें भी आप देखेंगे, जो फॉर्म 10 की बात कर रहे थे उसमें वो लेके आते हैं, जिसमें या तो कैंडिडेट या एजेंट साइन करके देता है, उसके बाद पीठासीन अधिकारी उसका पास जारी करता है। तो आपको इसमें हाँ ना करना है। और पोलिंग कितने बजे प्रारंभ होगा, पोलिंग 7 बजे प्रारंभ करना है। अगर किसी दशा में 5-10 मिनट का विलंब हुआ तो भी आपको उसमें वो समय लिखना है, 7 बजे स्टार्ट हो गया कि 7:10 में स्टार्ट हो गया या 7:15 में स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए कि इस बार जो पोलिंग का समय है वो प्रायः 5 बजे समाप्त हो जाता था, इस बार 1 घंटे बढ़ा दिए गए। इस बार जो पोलिंग का वक्त है वो 6 बजे तक का है। अगर पोलिंग स्टार्ट करने में 15-20 मिनट आधे घंटे लेट भी हो गया तब भी जो पोलिंग समाप्त होने का समय होगा वो 6 बजे ही होगा। 6 बजे जो सेंटर का गेट है वो बंद हो जाएगा और किसी अन्य वोटर को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। ये समय पे खड़े थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोल। यहाँ पे सब लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं? ठीक, ये बढ़िया। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा होगा, इंग्लिश से बहुत वास्ता सरोकार पड़ता होगा तो मुझे नहीं लगता किसी को अंग्रेजी में अगर फॉर्म मिले तो दिक्कत होती होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपको ये फॉर्म को हिंदी में भी करके दे देंगे। चलिए हम हिंदी में भी वहां पे जहां पे हम आप रवाना होंगे हम वहां पे हिंदी में भी कुछ इसकी प्रति उपलब्ध करा के रखेंगे। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होगा तो हम हिंदी में भी देंगे। अभी बता रहे थे कि 11 तरीके के जो पहचान पत्र है वो इस बार दिए गए हैं। ये 11 तरीके के पहचान पत्र कौन कौन होंगे वो बूथ के बाहर में भी आपको बताया गया, डिस्प्लेड होंगे। और आपको बताना है कि एपी के अलावा कितने वोटर्स एपी के अलावा वहाँ पे आए थे। ये सारे डिटेल्स आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है
उसके उसे उसके पास से संख्या मिल जाएगी, बाकी चीजें तो वही है जो आप वहाँ पे ईच वोटर। ये भी आपको देखना है कि 17 रजिस्टर जो है वो जैसा भी आपको बताया गया था पोलिंग अधिकारी जो द्वितीय है उनके पास होता है, तो क्या वो ये डिटेल्स भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे ये आपको नोट करना है।